तो भाई लोग, आप लोगों ने आने वाली दिवाली में इस दिवाली का सबसे बड़ा स्कैम जो कि बॉलीवुड की तरफ से आ रहा है, लूट लुटैया पार्ट 3, मेरा मतलब है भूल भुलैया पार्ट 3 का ट्रेलर तो देख ही लिया होगा। और भाई बॉलीवुड वाले क्या ही काट रहे हैं कंटेंट के नाम पे हम ऑडियंस का, मतलब कि तुम भाई कंटेंट या फिल्म के नाम पर फ्रेंचाइज पे फ्रेंचाइज बनाते चले जाओ, पार्ट पे पार्ट, सीक्वल्स पे सीक्वल लाते चले जाओ, और उसमें कहानी एकदम नहीं, कहीं का भी सिर पैर नहीं, कोई भी कैरेक्टर किसी भी फिल्म से किसी भी फिल्म में आ सकता है। भाई सिंघम पे मैंने इसलिए बात नहीं की क्योंकि सिंघम पे बात करने का मेरा दिल नहीं किया, भाई मैं सिनेमा से ना प्यार करता हूं, मतलब इस तरीके का स्कैम जब देखता हूं ना यार तो मेरा दिल निकल जाता है यार कि क्या ही कर रहे हो तुम लोग। मतलब अब तुम भूल भुलैया 3 जैसी फिल्म ला रहे हो जिसमें माधुरी दीक्षित, विद्या बालन, तृप्ति दिमरी, कार्तिक आर्यन जैसे टैलेंटेड स्टार कास्ट हैं, लेकिन आप लोग कंटेंट या फिल्म के नाम पे हम लोगों को क्या दिखाने वाले हो, ये बात हम सभी को पता है। लेकिन भाई इसके बाद भी हम लोग फिल्म देखने जाने वाले हैं, ये बात भी हम लोगों को पता है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में हम लोगों को सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, हम लोग बिना सिर पैर की चीजें देख के उसको हिट करवा देते हैं। हम लोगों ने हाउसफुल जैसी फ्रेंचाइज के चार चार पार्ट्स फोकट में बनवा दिए जबकि उसकी बाकी की फिल्मों में कुछ नहीं था। भाई मैं भावनाओं में नहीं बहूंगा और मैं जिस टॉपिक पे बात करने आया हूं उस पे बात करना चाहता हूं। मैं बात करना चाहता हूं कि बॉलीवुड की भूल भुलैया जो कि 2007 में आई थी, अक्षय कुमार की असली फिल्म, एटलीस्ट हम लोग उसे असली फिल्म मानते हैं, ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ था, क्योंकि आप लोगों ने भोजपुरी या हिंदी में चंद्रमुखी जो कि रजनीकांत की फिल्म है उसको भी सिमिलर स्टोरी लाइन के साथ साथ टीवी पे स्ट्रीम होते बहुत ही बार देखा होगा, और आप सोचते रहे होंगे कि अक्षय कुमार की जो भूल भुलैया फिल्म है वो चंद्रमुखी का रीमेक है, लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अक्षय कुमार की भूल भुलैया, चंद्रमुखी और ना जाने कितनी भाषाओं में ऐसी फिल्में इसकी बड़ी से बड़ी फ्रेंचाइजी भी बन चुकी है, और ये सारी फिल्में सिर्फ एक ही फिल्म का रीमेक है। और आज हम सिर्फ उसी ओरिजिनल फिल्म और उसके रीमेक्स के बारे में बात करेंगे कि वो ओरिजिनल फिल्म कौन थी और उसके कितने कितने रीमेक्स कौन कौन सी भाषा में बने। तो भैया भूल भुलैया फिल्म की जो पहली फिल्म थी उसका नाम था मानिचित्र थाजू, जो कि 1993 में आई थी, और यह एक मलयालम फिल्म थी जिसके डायरेक्टर थे फाजिल, और इसकी ओरिजिनल स्टार कास्ट थी मोहनलाल और सुरेश गोपी। और यह 1993 में जब रिलीज हुई थी तो अपने जमाने की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी, और इसको बहुत सालों तक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज मेड इन इंडिया में कंसीडर किया जाता था। और मैं आपको बता दूं भाई कि इसमें वो सारी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं जो कि आप लोग साउथ इंडियन फिल्मों में देखते हैं, चाहे वो औरत को ऑब्जेक्टिफाई करना हो या चेप डायलॉग्स हो। उसके बाद भी ओवर द इयर्स इसकी एक अपनी कल्ट फॉलोइंग बन गई, और ये अपने आप में एक अलग तरह की फिल्म थी और अलग तरह की स्टोरी लाइन को फॉलो करती थी। इसलिए इस फिल्म का पहली बार कन्नड़ भाषा में 2007 में अपथिमित्रा नाम से रीमेक बनाया गया। इस फिल्म को लीड कर रहे थे विष्णुवर्धन और सौंदर्य, और भाई इसकी कन्नड़ भाषा के रीमेक का बजट था 3 करोड़ रुपए, जिसने अपने लाइफ टाइम में 20 करोड़ रुपए कमाए थे, इन कंपैरिजन ऑफ मानिचित्र थाजू जिसने अपने लाइफ टाइम में सिर्फ 7 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। यही भाई भारत भर के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के बात में दिमाग घुस गई, मतलब दिमाग में ये बात घुस गई कि भैया ये फिल्म तो बड़ी कड़क है और इस फिल्म का रीमेक हमें भी बनाना चाहिए। अपथिमित्रा के ह्यूज सक्सेस के बाद इसकी जो अगली रीमेक आती है उसको भी आप सभी लोगों ने देखा होगा। इसकी अगली रीमेक का नाम था चंद्रमुखी, जो कि अप्रैल 2005 में आई थी, जस्ट इसके नेक्स्ट ईयर। और भाई तमिल भाषा में बनने वाली ये फिल्म जिसको रजनीकांत जैसे सुपरस्टार लीड कर रहे थे, जिनका ऑलरेडी एक ह्यूज फैन बेस बन चुका था, इस फिल्म ने भाई भारी सक्सेस देखा। फिल्म के डायरेक्टर पी वासु थे, और 19 करोड़ में बनने वाली इस फिल्म ने अपने लाइफ टाइम में 60 करोड़ का बिजनेस किया। भाई ये लगभग ओरिजिनल फिल्म के 10 गुना ज्यादा सक्सेस थी। पहली फिल्म ने 7 करोड़, वहीं पहली रीमेक ने 20 करोड़, वहीं दूसरी रीमेक ने 60 करोड़ रुपए कमाए थे। तो कहीं ना कहीं ये आइडिया लोगों के दिमाग में क्लिक कर रहा था भैया कि ये तो कुछ अलग ही चीज है और इसका रीमेक और बनना चाहिए। तो अगली जो फिल्म आती है वो थी मानिचित्र थाजू की बंगाली रीमेक राजमहल या राजमहल, जिसने भी भाई अच्छा खासा सक्सेस देखा था, क्योंकि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री भी थोड़ी सी छोटी है और उस हिसाब से उस फिल्म ने ठीक ठाक सक्सेस पाई थी, मतलब ठीक ही था। तमिल भाषा में रजनीकांत की चंद्रमुखी ने जिस सक्सेस का स्वाद चखा था
कहीं ना कहीं बॉलीवुड वाले भी इससे इन्फ्लुएंस हो रहे थे और उनको लग रहा था कि इस स्टोरी लाइन पे बॉलीवुड में भी एक फॉलोअप बन सकता है। तो भाई 12 अक्टूबर 2007 को अक्षय कुमार की भूल भुलैया फिल्म रिलीज होती है, जिसमें अक्षय कुमार के साथ साथ मोंजोलिका के रूप में हमको विद्या बालन देखने को मिलती है। और आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है कि भूल भुलैया अपने टाइम की कितनी बड़ी सक्सेस रही थी। फिर भी एक डेटा के रूप में मैं आपको बता देता हूँ, भूल भुलैया का बजट लगभग 30 करोड़ था और इसने लगभग 90 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। भाई 90 करोड़ रुपए, मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ ओरिजिनल फिल्म के ओरिजिनल रीमेक्स के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि इन फिल्मों की अपनी पर्सनल फ्रेंचाइज है। जैसे कि भूल भुलैया की भाई 2022 में भूल भुलैया 2 आती है और 2024 में जो कि भूल भुलैया 3 आने ही वाली है। वैसे ही रजनीकांत की चंद्रमुखी का भी सीक्वल आ चुका है, इसमें ऑफ कोर्स रजनीकांत ने रिटर्न नहीं किया है, सेम एज अक्षय कुमार ने भूल भुलैया में रिटर्न नहीं किया है। इवन जो ओरिजिनल फिल्म थी मानव चित्र था, जो भी एक स्पिन ऑफ फिल्म आ चुकी है जिसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उस फिल्म की बात करने आया था जिसने भाई पूरे इंडियन सिनेमा में कॉमर्शियल लेवल पर मतलब इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखाया और उसके रिमेक्स बना के भाई पूरे भारत भर की इंडस्ट्री ने कितने रुपए छापे। मतलब भाई मैं बात सोच के ही हैरान रह जाता हूँ भाई कि कोई फिल्म इतनी इन्फ्लुएंशियल कैसे हो सकती है। मतलब इतना भी हैरान नहीं होता हूँ, कहने के लिए कह दिया यार। तो भाई फाइनली कार्तिक आर्यन भी भूल भुलैया फ्रेंचाइज के दूसरे सीक्वल यानी कि भूल भुलैया 3 के साथ रिटर्न कर रहे हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें बिना सिर पैर का लॉजिक होगा, इस फिल्म का भी पुरानी वाली फिल्म से कोई लेना देना नहीं होगा, जैसा कि दूसरी वाली फिल्म का पहली वाली फिल्म से कोई लेना देना नहीं था। ये टोटली कैश ग्रैब फिल्म है भाई, एक बड़ी फ्रेंचाइज का नाम उठा के आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो ताकि हम इसी चूतिया ऑडियंस भाई सिनेमा हॉल में दौड़ी दौड़ी चली आए। ऑफकोर्स हम लोग जाएंगे देखने फिल्म और उसका रिव्यू भी करेंगे। अगर आप लोगों को उस फिल्म का रिव्यू इस चैनल पर देखना है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो भाई शेयर वाले बटन पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो कॉपी लिंक नाम का एक ऑप्शन आएगा जिसको आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जाओगे और जब पेस्ट करोगे तो भाई बहुत सारे लोगों को ये वीडियोस रिकमेंड होगी। और भाई अगर आप ऐसा करते हो तो नवरात्रि के मौसम में माता रानी का भर भर के आशीर्वाद मिलेगा भाई। तो भाई देर किस बात की कर रहे हो, इस वीडियो को शेयर कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और भाई आगे की आने वाली फिल्मों के रिव्यूज देखने के लिए इस चैनल को भाई सब्सक्राइब करो ही करो। आप लोगों के जितने भी दोस्त फिल्में देखते हैं या जिनको फिल्मों के बारे में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट हो, उनको भाई ये चैनल रिकमेंड करो कि यार भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी। भाई मैं चाहता हूं यार कि 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो जाएं जल्दी से जल्दी, एज सून एज पॉसिबल। तो भाई आप लोग मदद करोगे तो हो जाएगा। तो भाई मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।